मशहूर बॉलीवुड सितारों के बिगड़ैल बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम डुबो रहे हैं, इनमें से कई बच्चे हैं गंदी आदतों के शिकार। अनन्या पांडे। दोस्तों, स्टार किड्स की बात हो और उसमें अनन्या पांडे का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी स्टार है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है। कई महीने तक इन्हें स्ट्रगल वाली मीम्स से भी परेशान किया गया था और आज भी अपने किसी न किसी स्टेटमेंट की वजह से ये कई बार चर्चा में बनी रहती है। वैसे तो कोई भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है और यही कारण है कि पहले इन्होंने एक बार कहा था कि एक फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है, लेकिन आगे जाकर पता चला कि यह बात तो झूठी है। सिगरेट पीने की बुरी लत तो वैसे कई हसीनाओं को है, लेकिन अनन्या पांडे को सरेआम सिगरेट पीते देखा गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। चंकी पांडे की लाडली बेटी भी सिगरेट के कश लगाती है। उनको इस चीज की इतनी बुरी लत है कि वो अपने आप को अपने कजिन के वेडिंग फंक्शन में भी नहीं रोक पाए। सूरज पंचोली बॉलीवुड के अभिनेता आदित्य पंचोली का बेटा है। सूरज पंचोली आदित्य पंचोली अपने समय में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एक्टर्स में से एक रहे हैं, जब ये एक्टिंग किया करते थे, और बिल्कुल वैसे ही सूरज पंचोली भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहे। कहते हैं कि इनका नेचर प्लेबॉय टाइप का है। इनका नाम कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ में जुड़ चुका है। अब आप सबको आमिर खान की गजनी फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस जिया खान के बारे में तो पता ही होगा। बताया जाता है कि जिया खान के सुसाइड का कारण सूरज पंचोली ही है। दरअसल जिया और सूरज एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। यही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि जिया कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। जब जिया का सुसाइड लेटर मिला तो पता चला कि इसमें सूरज पंचोली का कोई ना कोई हाथ तो जरूर है। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही कोर्ट ने इस मामले में सूरज पंचोली को रिहाई दे दी है, लेकिन सच तो सच ही है। इब्राहिम अली खान, दोस्तों, सैफ अली खान के फूल कॉपी इब्राहिम अली खान बिल्कुल अपने पापा पर गए। हम चेहरे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिहेवियर। असल में इब्राहिम अली खान को भी अभी से ही लड़कियों को घुमाने की आदत और पार्टी करने की आदत पड़ चुकी है, और पढ़े भी क्यों ना, आखिर इतना सारा पैसा है तो जाएगा कहां। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं और अभी हाल ही में उन्हें एक पार्टी से निकलते हुए स्पॉट किया गया जिसमें उन्होंने पी रखी थी। उनसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नायसा देवगन व अजय देवगन की बेटी नायसा देवगन हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। छोटे से लेकर बड़े तक कभी अपने कलर की वजह से तो कभी अपनी भाषा की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। अभी हाल ही में नायसा देवगन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता दिख रहा था और इस वीडियो में वह ड्रंक नजर आ रही हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब नायसा देवगन का कोई ऐसा वीडियो सुर्खियों में रहा हो, और इस वीडियो से पहले भी वह अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो चुकी है। अक्षय कुमार बॉलीवुड की खिलाड़ी ना तो ड्रिंक करते हैं और ना ही डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका बेटा यानी कि वह उनके जैसा बिल्कुल नहीं है। अक्षय कुमार को अभी से ही ड्रिंक करने की बहुत बुरी लत थी और उन्हें कई बार मीडिया ने नशे की हालत में देखा है। अपने समय में अक्षय भी कम नहीं थे और अभी के टाइम में उनके बेटे भी कम नहीं है। अभी तो वह अपने टीनेज में ही हैं और ऐसे में ही मीडिया ने उन्हें कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ में कैमरे में कैद कर लिया। आगे जाने, हो सकता है कि वह अपने पापा का रिकॉर्ड तोड़ दें। ईरा खान, भले ही आमिर खान को मिस्टर परफेक्ट का टैग दिया गया हो, लेकिन उनकी बेटी को यह टैग देना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल आमिर खान की पहली वाइफ से उनकी एक बेटी है जिसका नाम है इरफान। असल में ईरा खान को पार्टियों में जाने का काफी शौक है, और न ही सिर्फ पार्टियों में जाने का शौक है बल्कि इन्हें ड्रिंक और स्मोकिंग करने की आदत भी है। यही नहीं, यह एक ऐसी स्टार किड है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। यह अपने बर्थडे से लेकर एंगेजमेंट तक के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। कभी अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल होती है तो कभी उल्टे सीधे कपड़े पहनने की वजह से। नव्या नवेली। बॉलीवुड की बेबी यानी कि अमिताभ बच्चन की नव्या नवेली नंदा वैसे तो फिल्मों की दुनिया से बहुत दूर है। इन्हें एक्टिंग में इतना ज्यादा रुचि है नहीं, जिसकी वजह से अब तक वह कोई भी फिल्मों में नहीं दिखी हैं और ना ही इन्होंने कोई ऐड की है। लेकिन इसके बावजूद कुछ वक्त पहले बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक एमएमएस स्कैंडल हुआ था, जिसमें नव्या नवेली नंदा का भी नाम शामिल था, और उस वायरल हुए एमएमएस वीडियो में दोनों स्टार किड्स आपस में प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हुए दिखे थे। दोस्तों, उस वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा वायरल करवा दिया था, जिसके बाद इन दोनों स्टार किड के फेमस फैमिली की बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई थी।
लेकिन बाद में जाकर पता चला कि उस वीडियो में वह नहीं बल्कि इनके हमशक्ल थे। अब सच क्या है ये तो यही दोनों बता सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नव्या नवेली को ड्रिंक करने की आदत है, कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलने की आदत है। इन्हें कई बार अलग अलग लड़कों के साथ में देखा गया है। आर्यन खान बॉलीवुड में अब तक के सबसे पॉपुलर एक्टर यानी कि शाहरुख खान। बेटे आर्यन खान को तो पूरी दुनिया जानती है, और जाने भी क्यों ना, आखिरकार आर्यन बहुत बार सुर्खियों में बने रहते हैं, और वो भी अपने नए नए कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर। लेकिन दोस्तों दो बार कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टारकिड बन गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इनका और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का MMS लीक हुआ, जो आगे जाकर दोनों परिवारों द्वारा फेक बताया गया। खैर दोस्तों, इस बात को तो दबा दिया गया जिससे किसी को इतना कुछ ज्यादा पता नहीं चला। और कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ जिसे दबाना इम्पॉसिबल हो गया था और लगभग हर एक को पता चल गया था। दोस्तों हम उस यार्ड पार्टी की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा ड्रग्स और कोकीन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पकड़ा गया था, और इसमें से एक आर्यन खान भी थे। लेकिन इनका कहना था कि वो सब मस्ती मजाक था और इन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था, पर इनकी व्हाट्सएप चैट कुछ और ही बता रही थी, जिस वजह से इन्हें अरेस्ट करके कुछ दिन तक जेल में रखा गया था। अब आपको बता दें कि इन्हें भी ड्रग और ड्रिंक करने की आदत है, जिसकी वजह से शाहरुख का भी नाम खराब हो रहा है। तो दोस्तों ये है वो स्टार किड जिनके काले कारनामे अभी से उजागर होने लगे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।